हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वुडोफा। दिस इज शशांक जैन, को फाउंडर ऑफ वुडोफा इंटीरियर्स। आज मैं वीडियो में बात करने वाला हूं कि आपके घर की सीलिंग का डिज़ाइन कैसा हो, चाहे वो हॉल हो या वो बेडरूम या फिर वो किचन। तो आप अपनी सीलिंग को कैसे डिज़ाइन करें कि नीचे कॉम्प्लीमेंट्री उसका लुक अच्छा बन जाए। बिफोर आई डू दैट, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो उसके साथ जो एक बेल का नोटिफिकेशन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। आए देखते हैं कि मेरे पास क्या है आपके लिए सीलिंग डिज़ाइंस में। तो मेरी पहली टिप है सीलिंग को लेके, आप चारों तरफ अपने रूम में एक 18 इंचेस टू 24 इंच का पट्टा बनवा सकते हैं, जिसको हम बॉक्स सीलिंग भी कहते हैं। इसमें सिर्फ चारों तरफ एक पट्टा होता है रूम के अंदर, और उसके अंदर आप कंसील या रिसेस लाइटिंग लगा सकते हैं। मेरी दूसरी टिप सीलिंग को लेके है कॉम्बिनेशन। आपने चारों तरफ उसका पीओपी का पट्टा या सीलिंग का बॉक्स तो बना लिया, पर जो माइनस लेवल बचा उसके अंदर आप कुछ वुडन सीलिंग या एक वॉलपेपर का टोन लगा सकते हैं। साथ में जो इसके कोव लाइटिंग आएगा, सो इट विल एनहांस द लुक ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। सो डिपेंडिंग अपॉन द थीम, द थर्ड टिप इज, आप सीलिंग को ज़रूरी नहीं है खाली रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में ही बनाएं। आप इसको कर्व या एंडुलेटिंग पैटर्न्स भी बना सकते हैं, जैसा भी आपका थीम नीचे है। अगर आपके थीम में नीचे विंटेज फर्नीचर या कुछ राउंड फर्नीचर है तो आप ऊपर सीलिंग के जो डिज़ाइन है हॉल पे उसके अंदर भी कुछ राउंडनेस क्रिएट कर सकते हैं। उस राउंडनेस के साथ आप कोव लाइटिंग या फिर एक बॉक्स लाइटिंग भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी पीओपी का काम नहीं कराना है घर में और आप उसको रेनोवेट करना चाहते हैं अपने रूम को, बहुत ही सिंपल सा टिप है, आप सीलिंग पे वॉलपेपर्स को प्लेस कर दीजिए। जी हाँ, वॉलपेपर्स भी सीलिंग पे प्लेस किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैनचेस्टर लवर हैं तो फुटबॉल का वॉलपेपर लगा लीजिए। अगर आप ट्रैवल लवर हैं तो पुट अप अ वर्ल्ड मैप। आप किसी भी तरीके का वॉलपेपर, या तो कस्टम या फिर बने बनाए वॉलपेपर सीलिंग पे लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, अगर वॉलपेपर्स को आपने कॉम्बिन किया विद डिफरेंट वुडन एलिमेंट्स या वॉल सीलिंग पीओपी के एलिमेंट्स के साथ तो ये और भी अच्छा लगेगा। इसके बाद की टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपको बिल्कुल भी पीओपी का काम नहीं छिड़वाना है अपने घर में और थोड़ा सा सीलिंग का लुक भी आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप अपने लोकल कारपेंटर को बुला लीजिए और उसके साथ एक बॉक्स पैनलिंग करा लीजिए। सो अगर आपका रूम 10 फीट का है तो 3 फीट या 3.5 फीट फ्रॉम द एज आप उसको बॉक्स कर दीजिए लकड़ी से या प्लाईवुड से, एंड उसके ऊपर आप लैमिनेट लगा लीजिए। जो भी आपका लैमिनेट नीचे लगा हुआ है या जो भी आपका थीम नीचे ड्यूरिंग द फ्लोर है, आप वही चीज़ ऊपर सीलिंग पे भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा और काम भी बहुत ज़्यादा नहीं फैलेगा। क्या आपको मालूम है, पीओपी के अंदर ही अगर आप स्ट्रिप्स बनाएं और 2 या 3 या 4 लेवल्स बना लें, अगर आपके पास रूम में उतनी स्पेस है, तो वो बहुत ही लग्जरी डिज़ाइन लगेगा। जैसा कि आप पिक्चर में अभी देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि देर आर 3 पैनल्स, 1, 2 एंड 3। इन तीनों पैनल्स के अंदर थोड़े थोड़े लेवल का डिफरेंसेस हैं, तो इन लेवल के डिफरेंसेस के अंदर कंसील लाइटिंग या रिसेस लाइटिंग या इनडायरेक्ट लाइटिंग भी लगाई जा सकती है। इट विल अपीयर वेरी वेरी अट्रैक्टिव। आप अपने बेडरूम की सीलिंग के अंदर बैक की अपोस्ट्री, अगर आपका बेड बैक हाई है तो उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। सो सेम बेड बैक इज रेज टू द सीलिंग, वेदर इट इज़ इन गोल्डन शेप और वेदर इट इज़ इन न्यूट्रल कलर, इट विल लुक वेरी नाइस। इसका कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा, कपड़ा तो यूज़ करेंगे प्लस साथ में कुछ अगर वॉलपेपर्स भी यूज़ कर लें वॉल्स पे तो और भी अच्छा डेकोरेटिव एलिमेंट बन जाएगा। ये भी बहुत अच्छा तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यूजिंग अ मेटालिक वॉलपेपर और अ मेटालिक वॉल पेंट। अगर आप वो सीलिंग पे कर दें और आपका नीचे सारा फर्नीचर न्यूट्रल में है और ऊपर एक मेटालिक सिल्वर कलर या एक गोल्डन कलर या फिर एक ब्रॉन्ज कलर है, इट विल लुक वेरी वेरी अट्रैक्टिव। वो ट्विस्ट दे सकते हैं आप अपनी सीलिंग में यूजिंग मेटालिक पेंट्स। आप अपनी सीलिंग को एक पेंटेड वुडन सीलिंग भी बना सकते हैं, चाहे वो हॉल का सीलिंग हो या फिर वो बेडरूम की सीलिंग हो। अगर आपने थोड़ा सा पेंट किया और थोड़ा सा उसके अंदर वुडन टेक्सचर डाला और उसको कॉम्बिनेशन किया, तो आप वो एक अच्छा पेंटेड वुडन सीलिंग बना सकते हो। सो यू कैन ऑल्सो मेक सम ज्योमेट्रिक पैटर्न्स और अ सर्कुलर और अ राउंड पैटर्न देयर एज वेल, जिसके साथ वो बहुत अच्छा लगेगा।
उसके साथ अगर कुछ पेंट कर दें या कुछ एक वॉलपेपर को डाल दें साथ में, तो वो इनहेंस करने लगेगा आपके लुक को। अगर आप बिल्कुल मिनिमल फैन हैं और आपको लगता है कि सीलिंग की हाइट को बिल्कुल रिड्यूस नहीं करना चाहिए और उसके अंदर कोई और एलिमेंट हम ना डालें, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। आपके बिल्डर ने जो भी आपको कंक्रीट सीलिंग दिया है, अगर आप उसके ऊपर सरफेस लाइट्स ऐड कर दें डायरेक्टली, तो इट विल बी वेरी मिनिमल। ना तो उसकी हाइट रिड्यूस होगी और वो और भी इनहेंस लगने लगेगा। इसी के साथ मैं दूसरा पैटर्न कई बार यूज़ करता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ ट्रैक लाइट्स। तो कई बार हम सीलिंग लाइट्स और सरफेस लाइट्स के साथ ट्रैक लाइट्स को यूज़ कर लेते हैं टू नॉट रिड्यूस द हाइट ऑफ द सीलिंग। जनरली हमारे पास हाइट बहुत कम होती है, तो उसको अगर आपने अवॉइड करना है, रिड्यूस नहीं करना है, तो आप इन दोनों कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं एंड उसको कम हाइट में अच्छा सीलिंग का लुक दे सकते हैं। मेरी लास्ट टिप है यूजिंग वॉल म्यूरल्स। जी हाँ, आप वॉल पेंट के साथ कुछ अच्छा डेकोरेटिव म्यूरल या कुछ एक अच्छा आर्ट कैरेक्टर भी बना सकते हैं अपनी सीलिंग पे, अगर आपके रूम की थीम वैसी है तो। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, अगर आप मैनचेस्टर के फ़ैन हैं या आपको कोई और आर्ट वर्क पसंद है, तो वही सेम आर्ट वर्क अपनी सीलिंग पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, सो दैट उसके साथ थोड़ी लाइटिंग भी ऐड हो जाए, एक पेंडेंट लाइट ऐड हो जाए एंड वो सीलिंग में वो आर्ट वर्क हो जाए, इट विल लुक वेरी नाइस। आई होप यू लाइक्ड माई वीडियो अबाउट सीलिंग डिज़ाइंस। ये मैंने थोड़े डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट एंड डिफरेंट डिज़ाइंस आपको शोकेस किए, जो कि जनरली POP सीलिंग और POP वॉल पट्टे जैसे नहीं हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और अगर हाँ, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें एंड इसको फॉरवर्ड करें टू योर वेरियस फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।